أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. 24वें सिपारे का 11वां रुकू यहां से शुरू होता है और सूरतुल मोमिन का 6वां रुकू है। पीछे वाले जो दो रुकू हैं उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक मर्द मोमिन उसका वाक्या बयान हुआ। वो फिरौन की कौम में से थे लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, लेकिन अपने ईमान को उन्होंने पोशीदा रखा हुआ था, अभी जाहिर नहीं किया था। जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश हो रही है, उसका मंसूबा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने फिरौन को इस बात से रोकने की कोशिश की मुख्तलिफ दलाइल से, और फिर बरमला अपने ईमान का भी इजहार किया। अब फिरौन ने और फिरौनियों ने उनके खिलाफ जो मकर फरेब किया, जो मंसूबा साजी की, जो प्लानिंग की, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको नाकाम बना दिया। फरमाया फवाकाहुल्लाहु सय्यिआत मा मकर, जो बुरे मकर, जो बुरी मंसूबा बंदी प्लानिंग उनके खिलाफ उन्होंने की थी, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने बचा लिया उस मंसूबा बंदी से, यानी वो अपने मंसूबों में नाकाम हुए। या तो उनको शहीद करना चाहते थे, उनको शहीद ना कर चुके, या उनको दीन हक से वो बरगश्ता करना चाहते थे, फेरना चाहते थे, हटाना चाहते थे, उसमें कामयाब ना हुए। अब फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का ये तरीका है कि हमेशा अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की मदद फरमाता है। फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों की, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौम यकूमुल अशहाद और जिस दिन गवाह खड़े होंगे, यानी क़यामत के दिन। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने रसूलों की मदद फरमाता है और ईमान वालों की भी मदद फरमाता है। अब हम जो देखते हैं बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है कि तकरीबन हर दौर में ही जो अहले हक हैं, हक वाले हैं, सही रास्ते पे चलने वाले हैं, दीन हक की पैरवी करने वाले हैं, वो हमेशा जो हैं मज़लूम रहे हैं, और अहले बातल, बातल परस्त उन पे जुल्म व तशद्दुद करते रहे हैं। असल में हम, हमारी निगाहें जो हैं वो सिर्फ वक्ती देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। मदद जो है वो दो तरीके से होती है, एक तो जिसको हम मदद समझते हैं, और एक मदद क्या है, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि जो हमारे दीन की मदद करेगा उसकी हम मदद करेंगे,
और मदद किस तरह होगी, वायुसब्बित अक़दामकुम, तो मैं साबित कदमी अता फरमाएंगे। अब देखिए मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम अली मुकाम और यजीद का मुकाबला हुआ, जाहिर भी निगाहों से देखा जाए तो यजीद कामयाब हो गया, हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की गई, वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अहबाब के साथ, अपने बेटों भतीजों भांजों के साथ मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। तो जाहिर भी निगाहें ये कहती हैं कि उनकी मदद नहीं की गई, यजीद कामयाब हो गया, लेकिन हकीकी निगाह से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि हजरत इमाम अली मुकाम जो उनका नुक्ता नजर था वो उस पर कायम रहे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको साबित कदमी अता फरमाई, जान तो चली गई लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे, और यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया। यजीद का मकसद था उनसे बैत लेना, उनको अपना मुती और फरमा बरदार बनाना, अपने मतहत करना, तो वो उसके मकसद के अंदर नाकाम हो गया। तो जाहिर भी जाहिर को देखने वाली निगाहों के हिसाब से यजीद कामयाब हुआ और हजरत इमाम अली मकाम नाकाम हो गए, लेकिन हकीकत में यजीद के हिस्से में ऐसी नाकामी आई कि शायद किसी के हिस्से में ऐसी नाकामी ना आई हो, और हजरत इमाम अली मुकाम ने वो कामयाबी हासिल की कि जो एक मिसाल है। आज भी देखिए हजरत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में किस तरह नजराना कीदत पेश किया जाता है। अभी मुहर्रम शरीफ का आगाज हो रहा तो हजरत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की उस कुर्बानी की किस तरह उसको याद किया जाएगा और उनकी बारगाह में नजराना कीदत पेश किया जाएगा। तो असल में यही कामयाबी है जो हजरत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हासिल की। तो अल्लाह तबारक व ताला भी अपने रसूलों की मदद फरमाता है और ईमान वालों की भी मदद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला उनको साबित कदमी अता फरमाता है और अल्लाह तबारक व ताला दलाइल के जरिए से उनको हमेशा गालिब रखता है, दलील से हमेशा अहले हक गालिब रहे हैं, अहले बातिल जो हैं वो दलाइल के मैदान में हमेशा मगलूब रहे हैं, हमेशा नाकाम रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला रसूलों की मदद फरमाता है और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में भी, और ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व ताला की मदद का जहूर क़यामत के दिन होगा, यौम यकूमुल अशहाद, जिस दिन गवाह खड़े होंगे, यौम ला यन्फ़ुज़्ज़ालिमीन माज़रतुहुम, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत फायदा नहीं देगी। इसका मफहूम ये बना कि वो उस वक़्त माजरत करेंगे लेकिन उनकी माजरत उनको फायदा नहीं देगी, जैसा कि कुरान पाक में कई जगह गुजरा है कि उस वक़्त वो ख्वाहिश करेंगे कि मौला एक मर्तबा और हमें दुनिया में भेज दे, एक मौका दे दे, फिर हम देखना किस तरह कितने नेक होंगे, कितने मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो वो उनका उस वक़्त का ये माजरत करना और ये ख्वाहिश करना इसका फ़ायदा नहीं होगा और उनको वो मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अल अनाम, वलौ तरा इज़ वुकिफ़ू अलन नार, काश के देखते उस वक़्त को कि जब उनको जहन्नम पे खड़ा किया जाएगा, फ़कालू, तो कहेंगे या लैतना, काश नुरद्दु, हमें लौटाया जाए, वला नुकज़्ज़िब बिआयात रब्बिना, फिर तो हम अपने रब की आयात को नहीं जुटलाएंगे, वाना कूना मिनल मोमिनीन, और मोमिनों से हो जाएंगे, यानी बड़े पाक बाज होंगे, बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कोई नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये उस वक़्त का ख्वाहिश करना, उस वक़्त का माजरत करना, ये उनको फ़ायदा नहीं देगा,
कि दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मौका दिया है और अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को सेहत, दौलत, वक्त, हर नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलों को भेजा, किताबों को उतारा, मुबल्लिगीन, नासिहीन, नसीहत करने वाले, राह रास्त की तरफ बुलाने वाले, हर तरह के असबाब अल्लाह तबारक व ताला ने मुहैया किए कि लोग राह रास्त पे आ जाएं। तो अब अगर कोई नहीं आता है तो उस दिन का माजरत करना उनको फायदा नहीं देगा। यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, उस दिन का माजरत करना, उज़रखाई करना, दुनिया में जिस तरह कहते हैं सारी बोलना कि जी बड़ा अफसोस है, तो उस वक्त का अफसोस करना या माजरत करना उनको कोई फायदा नहीं देगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक में एक जगह आता है कि उनको माजरत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ला युज़नु लहुम फयातज़िरून, उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी। हाजा यौम ला यंतकून, क़यामत का दिन वो होगा जिस दिन वो नहीं बोलेंगे। वला युज़नु लहुम, ना उनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। फयातज़िरून, के वो माजरत करें, यानी माजरत करने की उनको इजाजत ही नहीं दी जाएगी। तो यहाँ ये है कि उनको माजरत फायदा नहीं देगी। इसका दूसरा मफहूम यह है कि वो माजरत तो करेंगे लेकिन उनका माजरत करना, उस वक्त उनका अफसोस करना, ये उनको फायदा नहीं देगा। जिस तरह के दूसरी जगह पे है वो ख्वाहिश करेंगे कि हमें वापस भेजा जाए, हम बड़े नेक होंगे, मुत्तकी हो जाएंगे, परहेजगार हो जाएंगे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब एक जगह ये है कि उनको ना वो बोलेंगे ना वो उनको बोलने की इजाजत दी जाएगी कि वो माजरत करें, और इधर है कि उनको माजरत कर वो माजरत करेंगे लेकिन उनको फायदा नहीं होगा। तो एक तो ये है कि क़यामत में मुख्तलिफ अहवाल होंगे, मुख्तलिफ हालतें होंगी। वो 50,000 साल का जो दिन होगा, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का नहीं, 1,000 साल का नहीं, 50,000 साल का जो दिन होगा उसमें मुख्तलिफ कैफियतें होंगी। कोई हालत ऐसी होगी कि जिसमें वो माजरत करेंगे और उनकी माजरत कबूल नहीं की जाएगी, कोई हालत ऐसी होगी कि जहां वो बोल ही नहीं सकेंगे, इस तरह की हालत होगी कि वहां जुबानें ही बंद हो जाएंगी। जैसा कि ये है कि एक मौका ऐसा भी आएगा कि उनकी जुबानें बंद हो जाएं, जैसा कि सूरह यासीन में गुजरा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज हम उनके मुंहों पे मोहरें लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके हाथ बोलेंगे और पांव गवाही देंगे जो वो दुनिया में करते थे। तो अब एक कैफियत ये होगी कि जुबान को बंद कर दिया जाएगा, जुबान पर पाबंदी लग जाएगी, तूने नहीं बोलना है। जुबान की बजाय खुद इंसान के अपने आजा, जिस्म के हिस्से, हाथ, पांव, बाकी आजा जो हैं, वो उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसके गुनाहों की उसके खिलाफ गवाही देंगे कि इसने फलां वक्त ये काम किया, फलां वक्त ये काम किया। तो ये क़यामत के अंदर मुख्तलिफ हालतें होंगी, किसी हालत में तो उनको बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी लेकिन अक्सर अहवाल में वो बोलेंगे, मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि कुरान पाक में है कि कहीं वो आपस में एक दूसरे पर झगड़ेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होगी, उसको कहेंगे तूने गुमराह किया, वो कहेंगे तो खुद गुमराह होगा। तो ये मुख्तलिफ हालतें होंगी, किसी हालत में उनको बोलने की इजाज़त नहीं होगी, किसी हालत में उनकी ज़ुबान पर मोहर लगा दी जाएगी, और अक्सर अहवाल में वो बोलेंगे, बातचीत भी करेंगे लेकिन माजरत जो करेंगे उसका उनको फायदा नहीं होगा। तो फरमाया यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत उनको फायदा नहीं देगी, वलाहुमुल लानतु, और उनके लिए लानत है। लानत का माना रब तबारक व ताला की रहमत से दूरी,
तो उनके लिए फिटकार होगी, रहमत से दूरी होगी। वाला हम सुदार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना होगा, यानी जहन्नम, जहन्नम के अंदर उनको डाला जाएगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। वाला कद आतेना मूसल हुदा, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत यानी किताब हदायत अता फरमाई, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई जो किताब हदायत है। वा औरसना बनी इसराइल किताब, और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल को वारिस बनाया और उनको उस तौरात के मुताबिक अमल करने का पाबंद बनाया, मुकल्लफ किया कि तुमने इसके मुताबिक चलना है। हुदन वो हदायत का सामान थी, व ज़िक्रा और नसीहत ले उलिल अलबाब अकल वालों के लिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो पहले किताबें उतारी, खास तौर पर जो बड़ी किताबें तीन उतरी, तौरात जबूर इंजील, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, तो ये किताबें भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हैं, और वो भी हदायत का और नसीहत का जरिया थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हदायत और नसीहत का जरिया बनाया। जा बजा इनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ये किताबें हदायत भी हैं और नसीहत हासिल करने का जरिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों की नसीहत के लिए उन किताबों को उतारा। एक जगह इरशाद फरमाया, वकफ़ैना अला आसारिहिम बईसा इब्ने मरियम, हमने उन रसूलों के बाद हजरत ईसा बिन मरियम को भेजा, मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, वो तस्दीक करने वाले थे जो उनसे पहले तौरात उतरी। व आतैनाहुल इंजील, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, फीहि हुदम व नूर, उसमें हदायत थी और रोशनी थी, नूर था। वह मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, और वो तस्दीक करने वाले थी उससे पहले जो तौरात उतरी थी। वह हुदन और हदायत का जरिया थी, वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए वो नसीहत का जरिया थी। तो ये सारी किताबें पहले जो उतरी, ये भी हदायत का जरिया और नसीहत और हदायत हासिल करने का सामान थी। कुरान पाक उतरने के बाद पहली तमाम किताबें जो हैं वो मनसूख हो गई। अब किसी के लिए ये रवा और दुरुस्त और जायज नहीं है कि वो तौरात से या इंजील से या जबूर से हदायत हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि एक तो ये कि उन किताबों को उनके मानने वालों ने अपनी मर्जी से उसमें तब्दीलियां कर दी, उसके अंदर कुछ चीज़ें कम कर दी, कुछ बढ़ा दी, कुछ उसके मज़मून को तब्दील कर दिया और उसके मफहूम को तब्दील कर दिया। असल किताबें तो आज हैं ही नहीं, तर्जमे से आगे तर्जमा, तर्जमे से तर्जमा, तर्जमा करते हुए भी ना खाही ना चाहते हुए भी तब्दीली हो जाती है, और जब खुद इंसान तब्दील करना चाहे तो फिर तो क्या से क्या हो जाता है। तो एक तो ये कि वो असल किताबें मौजूद ही नहीं है, उनमें तब्दीली कर दी गई है। असल भी अगर हूं तो कुरान पाक के नाजिल होने के बाद चूंकि वो किताबें मनसूख हो चुकी हैं, अब उनसे हदायत हासिल नहीं की जाएगी, अब सिर्फ कुरान पाक से हदायत हासिल की जाएगी। हाँ, हमारा ये अकीदा है कि वो किताबें बरहक हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने वो किताबें उतारी और वो बरहक थीं, और अपने ज़माने में वो हदायत और नसीहत का जरिया थीं, लेकिन कुरान पाक के उतरने के बाद अब उनसे नसीहत हासिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। असल किताबें भी अगर आ जाएं तो फिर भी उनसे नसीहत हासिल नहीं की जाएगी, क्योंकि वो मनसूख हो चुकी हैं। अब सिर्फ कुरान पाक जो है इसी से नसीहत हासिल की जाएगी। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, फसबिर, ऐ महबूब सबर कीजिए, इन्ना वअदल्लाहि हक, बेशक अल्लाह तबारक व ताला का वादा सच्चा है, हक है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि सबर कीजिए, जल्दी से काम न लीजिए,
बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने जो वादा किया है वो हक है, वो सच है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दीन को गालिब करने का जो वादा फरमाया है वो पूरा होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब से इस दीन के गालिब करने का वादा किया तो फरमाया कि सब्र से काम लीजिए। एक हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर खाना काबा के पास तशरीफ फरमा थे और ये गालबन उस वक़्त का वाक़या होगा जबकि अभी हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। तो सहाबाए किराम ने कुछ शिकायात की लोगों की तरफ से, जो उनको तकालीफ पहुंचती थी, जो सताया जाता था उन पर, जो जुल्म व सितम ढाया जाता था, शिकायात की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई देखो तुमसे पहले जो नेक लोग गुजरे हैं उन पर भी तकालीफ और मुसीबतें आईं, उनको हत्ता के बाद लोगों को जमीन के अंदर गाड़ कर आरे के साथ चीर दिया गया, उनके दो टुकड़े कर दिए गए। इस तरह लोगों को तकालीफ और मसायब पहुंचाए गए, लेकिन वो लोग दीने हक से नहीं हटे। और फरमाया कि देखो एक वक्त ऐसा आने वाला है कि एक मुसाफिर औरत यमन से चलेगी शाम तक, हीरा से हजरा मुंह तक वो सफर कर जाएगी और उसको किसी का डर नहीं होगा। सहाबा इकराम सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, रस्ते में इतने कबीले हैं डाकुओं के जो हर कबीले को लूट लेते हैं और किसी को जाने नहीं देते, ये अकेली अकेली औरत कैसे सफर कर जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का वादा था, उसके रसूल का फरमान था, फिर ऐसा वक्त भी आया। खुद वही सहाबी फरमाते हैं, हमने देखा कि इस तरह बेफिक्र लोग सफर कर रहे हैं। और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा या एक कुत्ते का बच्चा भी भूखा मर गया तो कल उमर पकड़ा जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दीने हक के गालब करने का वादा किया था तो फरमाया फसबिर, ऐ महबूब सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाह हक्कुन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला का वादा हक है। वस्तगफिर लिज़म्बिका, और आप इस्तिगफार कीजिए अपने जम की। अब जम जो है आम तौर पर इसका माना होता है गुनाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने गुनाहों से पाक पैदा फरमाया है, तो इसलिए यहां मुराद या तो ये है कि अपनी उम्मत के लिए इस्तिगफार कीजिए, या फिर खिलाफे औला कुछ बातें, यानी बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जो जायज होती हैं, सवाब का काम होती हैं, लेकिन उससे बेहतर कुछ और काम भी होता है। यानी दो काम हैं, दोनों जायज हैं, दोनों सवाब के काम हैं। एक कम सवाब का काम है और दूसरा ज्यादा सवाब का काम है। तो जो कम सवाब का काम है उसको खिलाफे औला कहते हैं कि है तो वो भी नेकी, लेकिन वो एक उससे बेहतर जो नेकी है उससे कम दर्जा की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात तबलीग की खातर किसी मसलहत के पेशे नजर एक ज्यादा नेकी जो है उसको छोड़कर कम नेकी जो है उसको इख्तियार किया। तो अब इस जिसको खिलाफे औला शरे शरी इस्तिलाह में कहते हैं, हालांकि वो नेक काम है, हम अगर करेंगे तो हमारे लिए वो बिलाशुबा सवाब का बायस है कि हमने एक नेकी का काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहरहाल वो नेकी था, बल्कि वो और दुगनी नेकी है कि हुजूर ने तबलीग की खातर या ये बताने के लिए कि ये काम भी जायज है, बयान जवाज के लिए उस काम को किया, किसी मसलहत के, किसी तबलीगी मसलहत के पेशे नजर वो काम किया। लेकिन बज़ाहिर चूंकि उससे भी एक अच्छा काम था जो हो सकता था, उस ज्यादा सवाब के काम को छोड़कर जो कम सवाब का काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया उसको ज़म से ताबीर किया गया और उससे मगफरत मांगने का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया। अब देखिए मोहब्बत जो है इसी चीज का नाम है। अब ये आ गया वस्तगफिर लिज़म्बिका, सीधा माना अगर इसका तर्जमा किया जाए तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो।
तो किसी ने इस पे इतराज कर दिया। अब कोई मोमिन जो है वो तो इस पे इतराज नहीं कर सकता, वो तो जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम पैदा किया है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। तो किसी ने आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि आर्या हिंदू ये एतराज करते हैं कि देखो कुरान पाक में आता है कि वस्तग़फिर लिज़म्बिका, और ये तीन जगह इस तरह का मजमून आया है, एक ये है और दो जगह इसके आगे आ रहा है। एक जगह है सूरह मुहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल्मुमिनीन वलमुमिनात, कि जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, और अपने गुनाहों की मगफरत तलब करो और मोमिनों के लिए और मोमिनात के लिए भी इस्तिगफार करो। और तीसरा मुकाम है सूरह फतह के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक ऐ महबूब हमने आपके लिए वाज़े फतह आपको अता फरमाई, लियग़फिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खरा, ताकि अल्लाह तबारक व ताला बख्श दे जो ज़म्ब आपके पहले हुए और जो बाद में हुए, वयुतिम्म निअमतहु अलैका, और अपनी नेमत आप पर मुकम्मल कर दे, वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, और आपको हदायत की और सीधे रस्ते की हदायत अता फरमाए, वयंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, और गालिब मदद आपकी फरमाए। अब तीन मकामात पे ये मजमून है, जो जगह दो मकामात पे ये फरमाया वस्तग़फिर लिज़म्बिका, कि अपने ज़म्ब की मगफरत मांगिए, और एक जगह ये फरमाया कि आपको फतेह मुबीन अता फरमाइए, ताकि आपके जो पहले ज़म्ब गुजरे उनकी और जो बाद में आने वाले उनकी मगफरत फरमा दे। तो किसी ने इतराज़ किया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनाह किया करते थे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश मांगने का हुक्म दिया है। तो मोहब्बत वालों को उनका कलम फिर जोश में आ गया। आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आर्या ये इतराज़ करते हैं कि इससे तो ये मालूम हुआ कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनाह किया करते थे। तो आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके 15 जवाब दिए कि इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया इसका क्या माना है, क्या मफहूम है। 15 जवाब आपने दिए, उनमें यह भी है कि एक तो यह है कि यहां तरके औला यानी दो जो नेकी के काम है, एक ज्यादा नेकी का काम है, ज्यादा सवाब का काम है, और एक कम, तो कम को हुजूर ने इख्तियार किया है, वो भी किसी तबलीगी मसलहत के पेश नज़र बयान जवाज़ के लिए, ये बताने के लिए कि ये काम भी जायज़ है, लेकिन चूंकि बज़ाहिर वो जो आला था उससे अदना था, तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उससे मगफरत तलब करने का भी हुक्म दिया, और साथ ही ऐलान कर दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी उस यानी ज़म को भी माफ़ फरमा दिया है। और एक माना ये बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वस्तग़फिर लिज़म्बे उम्मते का, यहाँ उम्मत का लफ्ज़ जो है वो यानी महजूफ है कि अपनी उम्मत के गुनाहों की मगफरत तलब कीजिए, और वहाँ जो है लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका, कि आपके सदके में अल्लाह तबारक व ताला पहलों और पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दे। तो ये है मोहब्बत वाले कि इतना सा किसी ने इतराज़ किया तो फड़क उठे, और आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने 15 मफहूम 15 जवाब इस एतराज़ के यानी यहाँ पे दिए कि इसका ये माना भी हो सकता है, ये माना भी हो सकता है, ये माना नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह कभी कोई गुनाह किया। अम्बियाए किराम उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है, न इलाने नबुव्वत से पहले न इलाने नबुव्वत के बाद, यानी ये नहीं है कि सिर्फ इलाने नबुव्वत के बाद गुनाह नहीं किया है, बल्कि इलाने नबुव्वत से पहले भी कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया है, और न सगीरा न कबीरा न कसदन न अमदन न खतन, कोई गुनाह उन्होंने
नहीं किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको महफूज रखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आम तौर पर मिसाल दी जाती है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया फनसिया व लम नजिद लहू अज़्मा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो फल खाया था वो भूल गए थे और उनका अजम और इरादा नहीं था। और गुनाह जो होता है उस वक्त होता है जब इंसान इरादतन जानबूझकर कोई गुनाह वो करता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अंबियाए किराम को मासूम पैदा किया है। तो यहाँ जो बख्शिश मांगने का हुक्म दिया गया है उसके यही मफहूम है कि या तो, और वैसे भी यहाँ पे आम है कुरान पाक में आम तौर पर इस तरह होता है कि बज़ाहिर खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है लेकिन मुराद आपकी उम्मत होती है। तो यहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुजूर की उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो अपनी खताओं पर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बख्शिश और मगफरत मांगे। हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इसी आयत के बारे में इसके मुतालिक फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मगफरत मांगने का हुक्म दिया है उसमें एक हिकमत ये भी है कि मगफरत तलब करना ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बन जाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो जाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, फरमाते हैं ये महज तमीले इरशादे इलाही है ताकि हुजूर दुआ मांगा करें और उसमें हिकमत यह है कि इस्तिगफार से हुजूर के दरजात बुलंद से बुलंद तर होते जाएं और उम्मत के लिए दुआ और इस्तिगफार उनके प्यारे रसूल की सुन्नत बन जाए। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। बाद रवायात में फरमाया कि मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। तो इससे है नहीं हमें ये सबक मिलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम हैं जिनके बारे में गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार और 100 बार इस्तिगफार मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगते हैं तो हम गुनाहगार सियाकार जो दिन रात गुनाह करते हैं हमें कितनी इस्तिगफार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्तगफिर लिज़म्बिका वसब्बिह बिहम्द रब्बिका बिल अशी वल इबकार, और सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हुए उसकी हमद करो, उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी हमद बयान करो कि अल्लाह तबारक व तआला, तस्बीह क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी को बयान करना और हमद उसकी तारीफ करना। तो जब इंसान अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना करता है, अल्लाह तबारक व ताला की पाकी को बयान करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको पाक कर देता है, जब अल्लाह तबारक व ताला की इंसान हमद करता है, तारीफ करता है, तो इंसान को अल्लाह तबारक व ताला काबिले तारीफ बना देता है। और ये अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना और नेकी ये वो चीज़ है जो दुनिया में भी इंसान के काम आने वाली है और आखिरत में भी ये चीज़ इंसान के काम आने वाली है। दुनिया और आखरत में ये नेक अमाल इंसान की, यानी दुनिया में उसकी नेक नामी का सबब है और आखरत में उसकी बख्शिश का सामान है। चुनाचे हदीसे पाक में आता, बड़ी तवील हदीसे पाक है, हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया रात मैंने बहुत तजब खेज चीज देखी, मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा जो फरिश्तों से घबरा रहा था, उसका वजू आया और उसने उसको छुड़ा लिया। यानी वजू, इसको अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुतशक्कल सूरत में, जिस तरह कोई इंसान की जरूरत होती इस तरह वो किसी सूरत में आके उसने उसको बचा लिया। और फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, उस पर अजाबे कब्र मुसल्लत किया गया, उसकी नमाज आ गई और उसने उसको अजाबे कब्र से छुड़ा लिया। फिर फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, उसको शयातीन डरा रहे,
उसके पास अल्लाह का जिक्र आया, यानी वो जो जिक्र किया करता था वो एक एक मुतशक्कल सूरत में आ गए और उसको उनसे छुड़ा लिया। मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, उसके आगे अंधेरा था, उसके पीछे अंधेरा था, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उसका हज और उमरा आया और उसको अंधेरे से निकाल लिया। फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि उसके पास मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने के लिए आया, तो उसका रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना आया, उसने उस फरिश्ते से बात की और उसको अपने साथ ले गया। अब क्या है, ये जो होता है सिला रहमी जिसको कहते हैं, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, इसके मुकाबले में आता है कता रहमी, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बोल चाल ये खत्म कर देना। तो सिला रहमी जो है इसकी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है और कता रहमी से सख्ती से मना किया गया है। एक हदीसे पाक में आता है कि जो इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र वसी हो और उसके रिजक में वसत हो तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो यहां भी यही मुराद है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से उसकी मौत को मुअख्खर कर दिया गया, कि उसका सिला रहमी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, वो आ गया और फरिश्ते से बात की और उसको अपने साथ ले गया। फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा जो आग के शोलों से अपने आप को बचा रहा था, तो उसके पास उसका सदका आया और उसके सर पर साया हो गया और उसके चेहरे को ढाल बन गया। तो अब सदका जो है, सदका और खैरात करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके ने आके उसको आगे ढाल बन गया, रुकावट बन गया और आग के शोलों से वो उसको बचा लिया। और भी अहादीसे पार का उनका मफहूम यही है कि सदका जो है ये बुला को, मुसीबत को, तकलीफ को टाल देता है। आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, उसके पास दोजख के अजाब के फरिश्ते आए, तो उसके पास नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का अमल आया और उसने उसको अजाब से छुड़ा लिया। यानी दुनिया में जो वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया करता था, नेकी का हुक्म देता था, बुराई से रोकता था, इस अमल ने उसको उस दोजख के अजाब से बचा लिया। फिर फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा जो दोजख में गिर गया था, तो उसके पास उसके वो आंसू आए जो खौफे खुदा से निकले थे, उन्होंने उसको दोजख से निकाल लिया। यानी दुनिया के अंदर खौफे इलाही से उसने जो आंसू बहाए थे, एक होता है इंसान जब मजलिस में बैठा हुआ है तो कभी लोगों को दिखाने के लिए इंसान ऐसी कैफियत तारी करता है कि बड़ा इसमें जज्बा है जी, बड़ा खौफे खुदा है, तो एक होता है जब इंसान अकेला होता है, एक इंसान होता है और एक रब तबारक व ताला की बारगाह में होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। कभी सहरी के वक्त जब कोई न देखने वाला हो, उस वक्त जो कैफियत होती है वो असल इंसान की कैफियत होती है। उस मौके पे अगर खौफे इलाही से अपने गुनाहों को याद करके और खौफे इलाही से अगर आंसू निकल आए तो वही सरमाया होते हैं। तो फरमाया वो आंसू जो खौफे खुदा की वजह से निकले, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खौफे इलाही से जो आंसू निकले थे वो आए और उन्होंने उसको दोजख से निकाल लिया। फरमाया फिर मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि जिसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में था, तो उसका खौफे खुदा आया और उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ा दिया। फिर मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा, उसकी नेकियों का पलड़ा हल्का था, तो उसका कर्ज देने का अमल आया, यानी किसी को उसने जरूरतमंद को उसने कर्ज दिया था, तो उसने उसकी नेकियों के पलड़े को भारी कर दिया। फिर फरमाया मैंने एक शख्स को देखा जो बहुत कपा रहा था, कांप रहा था, थर्रा रहा था, फिर अल्लाह तबारक व ताला के साथ उसका हुस्ने जन आया तो वो पुरसकून हो गया। यानी अल्लाह तबारक व ताला के मुतल्लिक
ये ख्याल रखना कि अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है, अल्लाह तबारक व ताला करम और फजल फरमाए, यानी हुस्ने जन अच्छा गुमान अल्लाह तबारक व ताला के मुतालिक रखना। लेकिन यहाँ ये बात याद रखी जाए कि बाज़ औक़ात किसी इंसान को कहा जाता है भाई नमाज पढ़ा करो, कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, नेक अमल किया करो अल्लाह गफूर रहीम है, झूठ नहीं बोला करो अल्लाह गफूर रहीम। तो ये हुस्ने जन नहीं है बल्कि इसको बेबाकी कहा जाता है। तो ये सख्त अल्लाह तबारक व ताला को नापसंद है। हाँ, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए, इंसान होने के नाते कोई गुनाह हो जाए, तो इंसान तौबा इस्तिगफार करे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये गुमान रखे कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसकी बारगाह में अर्ज करे तो वो माफ फरमा देगा, इसका नाम हुस्ने ज़न है। ये नहीं है कि इंसान गुनाहों पे गुनाह करता रहे और साथ कहे कि वो गफूर रहीम है, माफ कर देगा अगर उसको तंबीह की जाए तो आगे से उल्टा वो हुज्जतबाजी करे, इसका ये मतलब नहीं है। वो तो सख्त नापसंद है अल्लाह तबारक व ताला को। हुस्ने ज़न का मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व ताला के मुतल्लिक अच्छा गुमान रखे, अपने गुनाहों पे नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे, तौबा इस्तिगफार करे और ये रखे अपने दिल के अंदर कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो फरमाया उसका हुस्ने ज़न आया, उसने उसको पुरसकून कर दिया। फिर फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा जो पुल शरीर से घिसड़ घिसड़ के चल रहा था, तो उसका मुझ पे दरूदे पाक पढ़ने का अमल आया और उसने उस शख्स को पुल सरात से पार कर दिया। फिर फरमाया मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि जब वो जन्नत के नजदीक पहुंचा तो उसके दरवाजे बंद हो गए, फिर उसका कलमा शहादत आया और उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये नेक अमाल जो हैं ये इंसान की दुनिया में भी काम आने वाले हैं और आखिरत में भी काम आने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वसब्बिह बिहम्द रब्बिका बिल अशी वल इबकार, सुबह शाम अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह के साथ उसकी हम्द करो। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि, वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में अल्लाह की निशानियों के, बगैर सुल्तानिन अताहुम, बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, बगैर किसी दलील के वो अल्लाह तबारक व ताला की आयात में झगड़ा करते हैं। इन फी सुदूरिहिम इल्ला किबरन, नहीं है उनके दिलों में मगर किबर तकब्बर गुरूर, यानी सिर्फ तकब्बर और गुरूर की वजह से वो अल्लाह तबारक व ताला की आयात का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनको झुठलाते हैं, उनको झूठ बताते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम के साथ उनकी कौमों का कुफार का यही मामला रहा कि उनके पास कोई दलील नहीं होती थी, दलील के मैदान में तो वो नाकाम हो जाते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि अगर हम इनका कलमा पढ़ लेंगे, इनकी बात मान लेंगे, इनकी गुलामी का पटा जो है वो गले में डाल लेंगे तो फिर हमें सरदारी छोड़नी पड़ेगी, हमें ये जो बड़ापन ये छोड़नी पड़ेगी, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि इनके पास कोई दलील नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला की आयात को ये जो झुठला रहे हैं उसमें झगड़ा कर रहे हैं, कोई दलील नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन फी सुदूरिहिम इल्ला किबरुन, नहीं है इनके दिलों में मगर एक बड़ा बनने की ख्वाहिश। मा हुम बिबालिगी, लेकिन साथ ही फरमा दिया कि ये उसको पाने वाले नहीं है। अब बड़ाई उसको मिलेगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले के अंदर डाल लेगा। तो जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से इनकार करेगा वो चाहे कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे वो उसको नहीं पा सकता। आज देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले मक्का मुकर्रमा में जिन लोगों ने हुजूर की गुलामी इख्तियार की अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दुनिया में भी सरदारी अता फरमाई, दुनिया में भी उनको हुकूमत अता फरमाई और क्यामत तक उनका नाम अकीदत के साथ लिया जाता है और क्यामत में अल्लाह तबारक व ताला उनको बुलंद मकामात अता फरमाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, तमाम सहाबाए कराम और जिन्होंने इनकार किया उनका क्या हुआ, अबू जेल, अबू लहब, इस तरह के कुफार किस वजह से नहीं माने,
जानते वो भी थे, दिल उनका भी मानता था कि सच है, लेकिन ये सोचते थे कि इनका कलमा पढ़ने से तो हमें सरदारी छोड़नी पड़ेगी, दुनिया में भी सरदारी ना मिली, लानतों का तौक अपने गले में डाल लिया और जहन्नम का ईंधन बन गए। इसी तरह देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो जिन सहाबा इकराम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सरबुलंदी अता फरमाई, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उनको अता फरमाई, और जिन्होंने हुजूर की गुलामी को इख्तियार नहीं किया दुनिया और आखिरत में वो यानी नाकाम व नामराद हुए। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, ये कबीला खजरज से ताल्लुक रहता, औस और खजरज दो कबीले थे मदीना मुनव्वरा में जो अंसार कहलाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, तो ये खजरज कबीला से ताल्लुक रखता था। ये ऊपर ऊपर से ईमान लाया था, अंदर से ये काफर ही रहा और मुनाफिक था। वजह क्या थी? वजह यही थी कि ये सरदारी चाहता था, और रवायात में आता है, अहदीस मुबारक में आता है कि ये लीडर किस्म का आदमी था, और इन्होंने मदीना मुनव्वरा के जो शहरी थे औस और खजरज दोनों कबीलों को इस बात पे रजामंद कर लिया था, इसके लिए तैयार कर लिया था कि दोनों कबीले मन मिल के इसको अपना बादशाह मान लें, इसको अपना बादशाह तस्लीम कर लें, और वो लोग इस पे मुतफिक हो गए थे, अनकरीब इसकी बादशाही का सरदारी का ऐलान होने वाला था, और इसके लिए एक ताज सोने का तैयार हो रहा था सुनार के पास कि वो इसकी ताजपोशी होने वाली थी, कि उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, हुजूर की तशरीफ आवरी से फिर इसकी वो सरदारी जाती रही। तो इसको ये दुख था, ये गम था कि इनके आने की वजह से मेरी सरदारी चली गई। अब खुल के तो मुखालफत कर नहीं सकता था, तो फिर क्या हुआ, सामने सामने कलमा पढ़ता था और अंदर से वो काफिर था, और हर मौके पे इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाहे बगाहे जहां मौका मिलता बेअदबी और गुस्ताखी भी करता। हत्ता के गजवाए उहद के मौका पे जब 1000 का लश्कर लेकर हुजूर निकले, सामने बहुत बड़ा लश्कर है, तो ये 300 आदमियों का अपना लश्कर लेकर अलग हो गया, कहने लगा जी मेरी बात नहीं मानेगी इसलिए मैं नहीं जाता, ये अपना 300। अब सोच सकते हैं कि 1000 का लश्कर जब अपने से एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबिल हो, उसमें से 300 आदमी ऐन लड़ाई के मौका पे हट जाए, तो बाकी लश्कर जो है उसका मोराल कितना डाउन होगा, और कितना खतरा होता है कि बाकी लश्कर जो है वो भी बददिल हो जाए। तो इस तरह ये आदमी करता रहा, तो क्या हुआ, उस सरदारी की खातिर इसने सिदके दिल से ईमान कबूल नहीं किया, दुनिया में भी लानत कमाई, आखरत में भी लानत कमाई। आज अगर किसी बहुत बड़े बद अहद और झूठे आदमी का अगर उसकी मिसाल देनी हो तो अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल दी जाती है, इसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, सबसे बड़ा मुनाफिक। तो किसी बहुत बड़े झूठे आदमी की मिसाल देनी हो तो उसको इसके साथ तशबीह दी जाती है। तो सरदारी उन्हीं को मिली जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले के अंदर डाल लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिल्लाहि बिगैर सुल्तानिन अताहुम, ये जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात के अंदर झगड़ रहे हैं बगैर दलील के, इनके पास कोई दलील नहीं है, ये तो सिर्फ बड़ाई हासिल करना चाहते हैं, लेकिन माहुम बेबालगी है, ये जिस बड़ाई को चाह रहे हैं उसको ये हासिल नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। फस्तईज बिल्लाह, पस अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगिए, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। लखल्कुस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीनों को पैदा करना अकबरु मिन खल्किन नास, वो लोगों के पैदा करने से बड़ा है, यानी मुश्किल है, भारी है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इसको जानते नहीं। काफिरों के लिए
इस बात को मानना ये बहुत मुश्किल था कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। वो ये कहते कि देखो जब इंसान मर जाएगा, हमारे बाप दादा वो मर गए, उनको कब्रों में दफना दिया गया, किसी को सैकड़ों साल, किसी को हजारों साल गुजर गए, तो कब्रों के अंदर हजारों साल पड़े हुए, आगे का तो उनका तसव्वुर ही नहीं था ना, सिर्फ वो पीछे की बात ही करते थे कि सैकड़ों हजारों साल हो गए हमारे बाप दादा को, उनके बाप दादा को मरे हुए, तो अभी तक तो वो जिंदा नहीं किए गए, उनकी कुछ अरसा के बाद इंसान का जो है गोश्त मिट्टी खा जाती है, हड्डियां रह जाती हैं, फिर हड्डियों भी मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाती हैं, तो फिर दोबारा उनको कैसे जिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तुम अल्लाह तबारक व ताला को अपने ऊपर क्यों कयास करते हो, खुद अगर तुम बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या अल्लाह तबारक व ताला भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने आसमानों और जमीनों को लफ्ज़े कुन से पैदा कर दिया, ना उसको कोई सामान इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी, ना मटेरियल इकट्ठा करना पड़ा, ना मिस्त्री बुलाने पड़े, ना मजदूर बुलाने पड़े, एक लफ्ज़े कुन से उसने आसमानों और जमीनों को पैदा कर दिया, तो क्या उसके लिए इनको दोबारा पैदा करना, जिसने पहले भी इनको अदम से वजूद में ले आया, जब कुछ नहीं थे तो उसने पैदा किया, तो उसी मखलूक को दोबारा पैदा करना क्या अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुश्किल होगा। तो फरमाया ला खल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को पैदा करना ये अकबर मिन खल्कि नास, लोगों के पैदा करने से बड़ा है, वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को जानते नहीं। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, आगे कयामत की एक दलील पेश की जा रही है कि जिस तरह एक नाबीना इंसान और एक देखने वाला, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक जो आदमी देख नहीं सकता, जिसकी कुव्वत बसारत नहीं है, और एक देखने वाला, दोनों बराबर नहीं है। जो देखने वाला है वो खुद चल के जाएगा, जो देख नहीं सकता वो किसी का मोहताज होगा, कोई पकड़ के उसको ले जाएगा, तब कोई चीज हो उसको बताएगा, हाँ ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये है, ये खाने की चीज आई है, ये पानी है, ये जो कुछ भी होगा कोई देखने वाला उसको बताएगा। तो एक वो है जो उसको बता रहा है, जिसको बताया जा रहा है, जो कुछ नहीं कर। तो हमारे जिस तरह एक नाबीना और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मुसी, इसी तरह ईमान लाकर नेक अमाल करने वाले और नाफरमान, ये भी बराबर नहीं हो सकते। एक वो है जो ईमान लाया और उसने नेक अमाल किए, और एक वो है जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में गुजार दी, वो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। अब यहां दलील ये है कि देखो एक वो आदमी है जो अखलाकियात का पाबंद है, दीन का पाबंद है, और दीन के उसूल व ज़वाबत, दीन के कवानीन और अखलाकियात के उसूलों के मुताबिक वो जिंदगी बसर करता है, और वो किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी पे ज्यादती नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, वो दूसरों की तकलीफ की, दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए खुद तकलीफ बर्दाश्त करता है, दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए खुद नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, और दूसरी तरफ वो है कि जो किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं है, जो किसी के फायदे यानी दूसरे के अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए दूसरों को तकलीफ में डालता है, वो दूसरों पे जुल्म करता है, ज्यादती करता है। अब अगर क्यामत ना हो तो फिर एक आदमी तो जिसने सारी जिंदगी तकालीफ उठाई वो उसी तरह चला गया, और जिसने कोई तकलीफ नहीं उठाई, दूसरों पे जुल्म करता रहा, ज्यादती करता रहा, दूसरों के हक मारता रहा, वो भी चला गया। तो अब तो फिर यानी वही अच्छा रहा कि जिसने अपनी दुनिया को रंगीन बनाने के लिए किसी कायदे की, किसी कानून की, अखलाक की, दीन की पाबंदी नहीं की, तो फिर तो वही अच्छा रहा। अगर कयामत का दिन ना हो तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, और अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ जुल्म नहीं है, वहां अदल व इंसाफ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने क्यामत का दिन रखा है कि जिन्होंने उसके अहकाम पर अमल करने के लिए तकालीफ उठाई हैं, मुसीबतें उठाई हैं, लोगों के तान और तशनी को बर्दाश्त किया है, लोगों की बातों को बर्दाश्त किया, अल्लाह तबारक व ताला उनको अजर व सवाब अता फरमाएगा,
और जिसने उनके अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की नाफरमानी की है और अल्लाह तबारक व ताला के बनाए हुए उसूल जवाबत को जिसने पामाल किया है, तो उसको क्यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसकी सजा देगा। तो इसलिए फरमाया कि जिस तरह अंधा और देखने वाला, नाबीना और बीना, ये बराबर नहीं हो सकते, और ईमान लाकर नेक अमाल करने वाले और बुराई करने वाले जो हैं बराबर नहीं हो सकते, ये दुनिया में इसका यानी एक आदमी सारी जिंदगी नेक अमाल करता है उसके लिए तकलीफें उठाता है और एक आदमी सारी उम्र बुराई करता रहता है, तो ये अगर इसी तरह चले जाएं तो फिर तो ये यानी दोनों बराबर होंगे, बल्कि वो फायदे में रहा जिसने कोई तकलीफ नहीं उठाई। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत का दिन ही इसीलिए रखा है जिसमें हकीकी फैसले होंगे। तो फरमाया इन्नस्सा आतियतुन, बेशक क़यामत जरूर आने वाली है, लाम ताकीद का है, ला आतियतुन यकीनन, इन्ना भी ताकीद के लिए है और आगे लाम ताकीद का है, और आगे फरमाया ला रैबा फीहा, इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है, यकीनन क़यामत जो है वो आएगी, वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इस पे ईमान नहीं रखते। वकाल रब्बुकुम उद्उनी, और तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा, दुआ मांगो तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा, या इस ये उद्उनी ये इस माने में है कि मेरी इबादत करो, ओ बुदूनी तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाऊंगा और तुम्हें उस पर सवाब अता फरमाऊंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं, इनकार करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, बेशक वो जलीलो खार होकर जहन्नम के अंदर वो जाएंगे। जो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको अजर व सवाब अता फरमाएगा, और जो उसकी इबादत से इनकार करते हैं, तकब्बुर और गुरूर करते हैं, फरमाया कि वो अनकरीब जहन्नम के अंदर वो जलीलो खार होकर जहन्नम के अंदर जाएंगे। दुआ के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। दुआ के आदाब जो हैं वो बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाए हैं कि किस तरह दुआ होनी चाहिए। हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत के दो मफहूम जो हैं वो बयान किए गए हैं, एक तो ये कि मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, और दूसरा उबुदूनी उसीबुकुम, कि तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें उसका अजर व सवाब अता फरमाऊंगा। तो फरमाते हैं कि ये दोनों अगर देखा जाए तो एक ही है, दोनों मफहूम जो हैं एक ही है, कि दुआ जो है वो भी इबादत है, बल्कि दुआ के बारे में फरमाया अद्दुआओ मुखुल इबादत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है ये इबादत का मगज है, इबादत की जान है, तो दुआ करना भी ये भी इबादत है। तो ये दोनों का मफहूम जो है वो एक ही है, और दुआ के बारे में फरमाया कि दुआ मोमन का हथियार है, दुआ दीन का सुतून है, और जमीनों आसमान इसके नूर से मुनव्वर है। दूसरी हदीस पाक हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला से है, उसका तर्जमा इस तरह, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया जाए, गोया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए, यानी दुआ की तौफीक मिलना भी ये भी अल्लाह तबारक व ताला का करम और फजल है कि अल्लाह तबारक व ताला दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला से आफियत का सवाल करना चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला से आफियत का सवाल करना बहुत पसंदीदा, यानी अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि तकलीफें आए हम सब्र करें, बल्कि अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला आफियत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला तकालीफ और मसाइब से हमें बचा के रखे, हम इम्तिहान के लायक नहीं है, आजमाइश के लायक नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला से आफियत ही मांगनी चाहिए। एक अदब दुआ का ये फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबत, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगो इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल फरमाएगा। फालमु अन्नल्लाह ताला ला यस्तजीबु दुआअन मिन कल्बिन लाहिन, जान लो कि अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल से मांगी जाए। यानी इंसान की तवज्जो तो कहीं और है, ध्यान कहीं और लगा है और रब्बा आतिना फी दुनिया दुआ मांग रहा है लेकिन तवज्जो नहीं है, ध्यान कहीं और है, सोच के और है, दुआ मांग रहा है, तो गाफिल दिल के साथ दुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ अल्लाह तब, जिस तरह इबादत के अंदर ये हुक्म है कि पूरी उस वक्त तवज्जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में होनी चाहिए, ये इंसान के दिल में तसव्वुर होना चाहिए कि हम उस रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिर हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, इसी तरह दुआ में भी ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो दुआ मांगने के लिए ये भी ज़रूरी है कि दुआ मांगने से पहले इंसान अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना करे, फिर दुरूद शरीफ पढ़े। चुनांचे हदीस पाक में आता है, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है तो एक आदमी मस्जिद में आया, उसने नमाज पढ़ी और फौरन दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज्जलता अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी तूने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है। दुआ का तरीका फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा सल्लैता फक़अता, जब तू नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के बैठे, फहमदिल्लाह तआला बिमा हुवा अहलु, तू अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना कर उसकी शान के लायक, व सल्ले अलैया, फिर मुझ पे दुरूद पाक पढ़, सुम्मद ओहु, फिर तू अल्लाह ताला से दुआ मांग। तो इस हदीस पाक को बयान करने के बाद हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, यहाँ आगे दूसरी हदीस पाक फिर आगे बयान फरमाया, इस शख्स के चले जाने के बाद एक दूसरा आदमी आया, उसने पहले नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना की, फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युहल मुसल्ली उदउ तो जब, कि तू दुआ करता जा, तेरी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाएगा, कि तूने दुआ के आदाब को मद्देनजर रखा है कि पहले अल्लाह ताला की हमदो सना की है, फिर दुरूशी पढ़ा है, फिर दुआ मांगी है, तो ये दुआ के आदाब को तूने मद्देनजर रखा, अब तेरी दुआ को कबूल किया जाएगा। तो हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अहले सुन्नत व जमात नमाज अदा करने के बाद जो जिक्र इलाही करते हैं, फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ मांगते हैं, यही दुआ मांगने का मसनून तरीका है, और जो लोग इस चीज से रोकते हैं, फरमाते हैं वो बेखबर लोग हैं, उनको इलम ही नहीं, उनको पता ही नहीं।